पिछले कई दिनों से लगातार हो रही चेन छिनतई की घटनाओं में अब कमी आने की संभावना है। धनबाद के सरायढेला थाना इलाके की पुलिस ने थानेदार विनय कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर दो चेन स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों चेन स्नैचर बोकारो के रहने वाले हैं। इसके साथ ही आईपीएस की मां के गले से चेन छिनतई करने वाले घटना का भी खुलासा हो गया है। डीएसपी विधि व्यवस्था अरविंद कुमार बीना ने मीडिया के समक्ष दोनों स्नेचरों को पेश करते हुए बताया कि एसएसपी के आदेश पर एक टीम बनाई गई थी। गहन जांच अभियान के दौरान सरायढेला बलियापुर सड़क पर दो अपराधी पकड़े गए। उनके पास से लोडेड पिस्टल भी बरामद हुए हैं। इस बीच दो अपराधी भागने में सफल हुए हैं। पकड़े गए अपराधी के संबंध में डीएसपी ने बताया कि हीरालाल सोनार और इमामुल अंसारी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि अकबर अंसारी और कमरुल होदा फरार है। ये लोग 302 जैसे गंभीर मामलों में आजीवन कारावास सजा प्राप्त है और 16 अन्य संगीन मामले इनके खिलाफ दर्ज है। पिछले दिनों वरिष्ठ अधिकारी की मां से चेन छिनतई में भी ये शामिल रहे हैं। अभी छीने गए सामान की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द चेन खरीदने वाले ग्राहक और पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। विगत दिनों से आप लोगों ने देखा होगा चेन स्नैचिंग की घटना धनबाद में काफी बढ़ गई थी, तो उसी को देखते हुए परिवहन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सरायढेला थाना प्रभारी, बिंदवा प्रभारी और पुलिस अवर निरीक्षक अवधेश कुमार, चंदन कुमार सिंह और आरक्षी बसंत कुमार के देख रेख में एक टीम का गठन किया, जिसमें वरीय के दिशा निर्देश के रूप में एक गहन चेकिंग लगाया गया था, जो 12/8/23 को 6 बजे सरायढेला से बलियापुर जाने वाला रोड में वहाँ चेकिंग क्रम में दो मोटरसाइकिल 4 व्यक्ति सवार थे। चेकिंग के दौरान खदेड़ कर एक पल्सर मोटरसाइकिल सहित 2 आदमी को पकड़ा गया तथा अपाचे मोटरसाइकिल में सवार 2 आदमी भागने में सफल रहे। बाकी के आगे के छानबीन क्रम में इन लोग के पास से इमानुल अंसारी के पास से एक लोडेड पिस्टल जो कट्टा है और हीरा लाल सोनार के पास एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और इन्हीं से जब पूछताछ के क्रम में अन्य 2 अभियुक्त अकबर अंसारी और कमरूल होदा, ये सभी लोग मिलकर धनबाद में रेकी कर विभिन्न जगहों में स्नैचिंग के काम किया करते थे। इसमें विगत 5/8/23 को एक घटना हुई थी नीलांचल कॉलोनी में, एक बुजुर्ग महिला के साथ स्नैचिंग की, जिसमें चोट भी आई थी और झरिया थाना क्षेत्र के अंदर, इसमें पेपर वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह में उनका फोटो भी छपा था। तो छानबीन के क्रम में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई और लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया गया है। इसमें अभियुक्त इमामुल अंसारी के विरोध में करीबन 16 केस पूर्व से दर्ज, इसमें 302 जैसे गंभीर मामला भी है, आजीवन कारावास, इसमें उसको आजीवन कारावास हो चुका है। और अभियुक्त हीरालाल सोनार दूसरा जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है उसका 2 कांड अंकित है, जो सिली थाना क्षेत्र और चास मुफसिल में अंकित है। दोनों स्नेचर है। इसमें अभी और गिरफ्तारी होना बाकी है। अकबर अंसारी कंबुल होगा इसका नाम में जितना भी हमला हुआ है इसमें इसका नाम प्रकाश में आ गया है। बाकी कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? वही नीलांचल कॉलोनी में बुजुर्ग महिला के साथ, वही बता जी कहाँ के लोग हैं रहने वाले? एक्चुअली ये पिंडरा जोरा जो थाना है बोकारो में पड़ता है, ठीक है, वहाँ का रहने वाले दोनों से थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक तो भंडराडी एक तो मोहनडी। अच्छा सर, जो चेन छिनते किया वो भी बरामद हुआ? नहीं, एक्चुअली उसके भी उस बिंदु पर हम लोग देख रहे हैं कि इन लोगों ने चेन स्नैचिंग करने के उपरांत किसको वो बेचा, किसको गलाने के लिए दिया, उस बिंदु पर हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग भी उसकी छानबीन कर रहे हैं और उसको भी अभी प्रयास कर रहे हैं कि रिकवर होकर करने का प्रयास कर रहे हैं। और किन लोगों शामिल लोगों का नाम लिया है क्या लोग? अभी तो एक अकबर अंसारी और कंबुल होता, ये 2 व्यक्ति जो उसमें एक मोटरसाइकिल में थे और भाग गए चेकिंग के दौरान, उनको गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे फुटेज वगैरह में इन लोग का चीज आया है। अब झरिया की जो घटना घटी थी उसमें जो इसमें माहौल अंसारी जो है उसका बैक सीट में जो बैठा हुआ था उसका फोटो आप लोग देखे थे जी, तो वो व्यक्ति वही।